नमस्कार, मैं निशांत वर्मा, आप लोगों का लाउड इंडिया टीवी के इस खास पेशकश ये क्या हो रहा है मैं स्वागत करता हूं। आज दोपहर 2 बजे हम कुछ गंभीर मुद्दे पे चर्चा करेंगे और जिस तरीके से देश में हालात महिलाओं के साथ होते आए हैं और बद से बदतर होते गए हैं, उस पे एक बात लोगों के साथ करना, आपके साथ करना आवश्यक सी बन गई है। खास करके इसलिए क्योंकि भारत की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें जिस तरीके से महिलाओं के साथ या उनके बारे में बात ही नहीं की जाती है, या जब कभी भी कोई एक अनबनाव होता है तब उस समय मेन स्ट्रीम मीडिया टीआरपी बटोरने के लिए, यस टीआरपी बटोरने के लिए पूरा दिन किसी मृत्यु को, मर्डर को या बलात्कार को दोबारा सारा दिन घिसती रहती है। तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि हम लोग कुछ भारत के ऐसे शख्सियतों के साथ चर्चा करें, आप लोगों तक पहुंचाएं कि ये क्या हो रहा है। मान के चलिए कि जो मैंने टॉपिक आज शीर्षक रखा है इस प्रोग्राम का, वो बड़ा सोच समझ के रखा है कि बलात्कार और भारत माता, क्या सपना है इन हिंदू हिंदुत्ववादी फोर्सेस का जो इस समय कई राज्यों में और देश में शासन कर रही हैं। क्यों ये जरूरी है जानना कि भारत माता को लेकर के जिस तरीके से चुनावी इनकैशमेंट किया जाता है, जिस तरीके से आधे देश की जनसंख्या जो कि स्त्रीलिंग है यानी कि महिलाएं हैं उनको दूसरे तरफ अपमानित किया जाता है, उनके बारे में अच्छी बातें की जाती हैं लेकिन जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार होता है और वो बढ़ता जा रहा है, तो उसपे एक डिस्कशन बहुत जरूरी है, निष्पक्ष डिस्कशन जरूरी है, तथ्यपूर्ण डिस्कशन जरूरी है और ये जानना जरूरी है कि ये क्या हो रहा है। मान के चलिए आधे देश की जनसंख्या हम सब जानते हैं महिलाएं हैं, देवी माता, भारत माता, बहन, रक्षाबंधन, जाने किस किस तरह से हम महिलाओं को अपना मानते हैं, लेकिन जब कभी भी आप समाचार पत्र उठा के देखें, टीवी खोलें, अन्यथा चारों तरफ नजर दौड़ाएं, तो महिलाओं के साथ घर में, घर के बाहर जिस तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या वो भारत का प्रतिबिंब है, असली संस्कृति है, या इस समय शासन जो कर रहे हैं ये उनकी उनका कोई सपना है, क्या है क्या? इस बात को समझने के लिए मैंने एक आज पैनल आप लोगों के समक्ष लाने की चेष्टा की है। आइए मैं मिलवाता हूं उन सब से जो आज इस डिस्कशन में भाग लेंगे, बात करेंगे आप लोगों के साथ और समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि ये क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ फौजिया अर्शी जी का। फौजिया अर्शी जी एक फिल्म मेकर हैं, महिला हैं और देश की महिलाओं के प्रति एक चिंता अवश्य हम लोगों की तरह रखती हैं। साथ में हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट संध्या सूरी जो कि भारतीय नौसेना से रिटायर्ड हैं, और मैंने मैंने मैं समझता हूं कि महिलाओं के प्रति ये क्या हो रहा है मैं फौज के और नॉर्मल जिंदगी को मिक्स करके बताएंगी हम सबको, मेरे प्रश्नों के जवाब देंगी। रवि श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, बंबई से जुड़े हैं। रवि श्रीवास्तव जी नेशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप इनको रोज कई चैनल्स के ऊपर हिंदी इंग्लिश में देश की उस शासन करने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ भिड़ते और उनको सीधा करते हुए देखते होंगे, स्वागत है रवि जी आपका। साथ ही हमारे साथ राजस्थान से इंद्र मोहन सिंह हनी जी जुड़े हैं। इंद्र मोहन सिंह हनी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बहुत सीधा बोलने वालों में से हैं, सीधी और सच बात बोलते हैं, स्वागत है। साथ डॉक्टर सैयद अब्बास हैं हमारे साथ, बैंगलोर से जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, यूथ लीडर हैं, ये भी रोज टेलीविजन पे इंग्लिश और हिंदी चैनल्स पे राष्ट्रीय मीडिया के आपको दिखते होंगे कि किस तरीके से जो गलत नीतियां और गलत बातें देश की करी जाती हैं खास करके गोदी मीडिया पे, उसमें इनका बड़ा योगदान है उन लोगों को सीधा करने का, स्वागत है अब्बास साहब आपका। और हमारे साथ एयरलाइन इंडस्ट्री भारत की शुभ्रा चक्रवर्ती जी जुड़ी हैं जो पहले एयरलाइन इंडस्ट्री में थी, अब एक खुद एंटरप्रेन्योर हैं जो मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस से आज हमारे साथ जुड़ी हैं। नमस्ते, आप सबका स्वागत है। और बिना समय बिगाड़े मैं सबसे पहले इस सवाल जो मेरे मन में उठ रहा है उसको लेके मैं फौजिया अर्शी जी के पास चलता हूँ। फौजिया जी आप फिल्म मेकर हैं, आप महिला हैं, आपने भारत की हर वो बात समझी है कि जिसमें महिलाओं के साथ क्या अच्छाइयां क्या बुराइयां इस देश में होती आई है, इस तरीके से कागजी बातों से भारत माता इत्यादि को हम बढ़ावा देते हैं लेकिन अंततः
बलात्कार, मर्डर, गैंगरेप, घरों में जिस तरीके से महिलाओं के साथ हालात रखे जाते हैं, आपका ओपनिंग कमेंट क्या होगा? ये क्या हो क्या रहा है? सबसे पहले तो निशान जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया और इतने जरूरी मुद्दे पे आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए इनवाइट किया। मैं शुरू इससे करना चाहूंगी कि एनसीआरबी का जो डेटा है 2019 का, उसके मुताबिक 32,033 रेप्स इंडिया में हुए हैं और 88 to 106, 88 से 106 रेप्स रोज हिंदुस्तान में होते हैं। यानी कि 15 मिनट में, हर 15 मिनट में एक रेप होता है। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है पूरे हिंदुस्तान के लिए। और ये सिस्टम का फेलियर है। दिस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ सिस्टम, कंप्लीट फेलियर ऑफ सिस्टम। अब आप ये कह रहे हैं कि ये क्या कहने की करने की कोशिश कर रही है सरकार और ये क्या कर रहे हैं। देखिए, हर चीज पॉलिटिक्स हो गई है, हर चीज टीआरपी हो गई है। इस मुल्क में इस वक्त ये हो रहा है कि अगर आपने जरा सा भी कुछ पूछा तो आपका सर कुचल दिया जाएगा। सवाल मत पूछिए। रेप हो रहे हैं, होने दीजिए। जुल्म हो रहे हैं, होने दीजिए। सवर्ण जो है वो रूल करेंगे, दलित जो है वो इसीलिए। मतलब इस वक्त एक मुहिम चलाई जा रही है कि सबक कैसे सिखाया जाए हर उस इंसान को जो सर उठाने की ताकत रखता है। अब मैं आपको बताऊं कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरला और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रेप्स होते हैं, ये डेटा है। और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2019 में ऑलमोस्ट 3,500 से ज्यादा रेप्स हुए हैं। सबसे अच्छी सरकार यूपी सरकार, सबसे अच्छे योगी जी। तो उत्तर प्रदेश के अलावा टेलीविजन पे और न्यूज़पेपर्स में कुछ नजर ही नहीं आता, लगता है हिंदुस्तान सिर्फ उत्तर प्रदेश है। जबकि मैं आपको थोड़ा सा और ये बता दूं कि आसाम में बहुत रेप्स होते हैं, महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा गढ़ है, मध्य प्रदेश, इन रेप्स के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। अच्छा, और जो 32,033 रेप्स की मैंने आपसे बात करी हिंदुस्तान में सिर्फ 2019 में, ये तो वो केसेस हैं जो रजिस्टर हुए हैं निशांत जी। जी जो रजिस्टर ही नहीं हुए हैं उनका क्या? जी इतनी सौम्या जी ने लड़कियां, अपनी बात बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इस चीज को लेके इंदर के पास जाऊंगा। आई विल कम बैक टू यू सौम्या जी ऑन दिस, बिकॉज आई नो जितना बोला जाए उतना, जितना बताया जाए उतना कम है। इंदर जी, 100 बलात्कार तकरीबन इस देश में रोज होते हैं अमूमन, और भारत हमारी माता है और देवियां और देवताओं से ज्यादा है इस देश के अंदर, क्योंकि हम सो कॉल्ड हिंदुओं के एक देश में रहते हैं जहां हिंदू सबसे ज्यादा है, उस तरीके से कहा जा सकता है। महिलाओं के लिए जाने क्या क्या स्कीम्स चलाई जाती हैं, उज्ज्वला योजना से लेकर के रोमियो स्क्वाड उनकी सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं इस देश के अंदर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा रहा है। और सबसे ज्यादा बलात्कार अगर किसी नेताओं की श्रेणी में, लिस्ट में निकाला जाए तो भारतीय जनता पार्टी से ही निकलते हैं। ना केवल उतना, महिलाओं के साथ जिस तरीके का अपमान करने लायक, अपमान करने वाला सबब रहा है, वो हम सब जानते हैं कि एक मनुवादी थॉट प्रोसेस का रहा है। सर, आप तो कई सालों से टेलीविजन पे भी आए हैं, आप राजस्थान से लेके देश की राजनीति को समझते हैं। ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कहाँ गलत हो गया मोदी जी का? देखिए सर, इसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत पीड़ा लगती है कि जब भी इस तरह का कोई केस राष्ट्रीय लेवल पे कोई, सब लोगों के, जैसे अभी हाथरस वाला आया और उससे पहले कश्मीर में एक आसिफा नाम की 6 साल की या 8 साल की बच्ची का तो था, मुझे इतना दुख हुआ आसिफा के मामले में कि उस टाइम तो हमने यहाँ पे कोटा में बहुत बड़ा प्रोग्राम भी करा था कि उस लड़की को अपहरण करके कई दिन तक उसका रेप करते रहे। और जहां तक बातें निकल के आई, जो रवीश कुमार जी ने एनडीटीवी में बताया कि ऑन रिकॉर्ड है कि कोई पुलिस वाला कह रहा है कि यार अभी उसको मारना मत या मरने मत देना, मुझे एक बार और उसका, इससे गिरी हुई बात
अगर इंसान तो मतलब नहीं कर सकता, जानवर भी नहीं कर सकता, ये तो कुछ अलग ही श्रेणी है सर। और उन लोगों का समर्थन वो लोग कर रहे हैं जो सरकार में मंत्री हैं, जो थाने के बाहर भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए कि किस लिए नारे लगा रहे हैं, कि जिन लोगों ने उसका बलात्कार किया है उसको बचाने के लिए अगर भारत जय श्री राम के नारे, जय श्री राम जी आपका क्या हाल करेंगे, ये सोचना कोई बड़ी बात नहीं है। और भारत माता की जय और तिरंगा, रेपिस्ट को बचाने के लिए तिरंगा लेकर के भीड़ निकल रही है, तो फिर इस मुल्क का क्या होने वाला है, भगवान ही मालिक है साहब। और अब हाथरस में भी आप देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात कि कहीं भी मैं ये देखता हूं, जब भी इस तरह का बड़ा मामला आता है, कहीं भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बयान भी नहीं आता, जो आना चाहिए उस मुख्यमंत्री का आना चाहिए, उस मतलब उस जगह के हर आदमी का आना चाहिए जो अपने आप को इंसान कहता है। तो अभी कोई कोई इससे उन लोगों को बढ़ावा मिल रहा है साहब, जो ये किस तरह के गणित काम करते हैं, और वो सोचता है कि हम कानून से भी ऊपर हैं, और हम ये देख रहे हैं कि ये हो रहा है इस हिंदुस्तान में, और इतना हो रहा है कि अब हाथरस वाली देख लीजिए आप, मीडिया को बैन कर दिया। और मैं कहता हूं अच्छा हुआ, मैं उसका दूसरा बताता हूं, आज मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि चौथा स्तंभ लोकतंत्र का मीडिया नहीं है, ये ब्लैकमेलरों का स्तंभ हो गया, ये चोरों का स्तंभ हो गया, और यहां पर सिर्फ पैसा कमाने वाले चोर दलालों की मीडिया हो गई। अगर ये और इसको अगर हमने लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हुआ, अगर चौथा स्तंभ कहता हूं मैं, इसको मानने से इंकार करता हूं, ये चोर मीडिया है, ब्लैकमेलर मीडिया है, गोदी मीडिया है। बिल्कुल आपकी बात को मैं समर्थन करता हूं इंदर जी। मैं लेफ्टिनेंट सूरी के पास जाऊंगा। संध्या जी, आप तो फौज में रही हैं, भारतीय नौसेना में रही हैं, मैंने कहीं ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करी कि जब फौजियों को ट्रेनिंग दी जाती है तो शायद कुछ इस प्रकार के शब्द ना भी कहे जाते हों, लेकिन अर्थ तो यही होता है कि अगर पाकिस्तान, चीन या दुश्मन से लड़ाई होती है, आप फोड़ डालो, जबान काट लो, गर्दन तोड़ डालो, जान से मार दो, पता नहीं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है कि नहीं, लेकिन अंततः वॉर में तो यही होता है। लेकिन ये वॉर नहीं, मैं हाथरस की बात कर रहा हूं कि हमारे देश की महिलाओं के साथ आंख फोड़ दी जाती है, जुबान काट ली जाती है, गर्दन तोड़ दी जाती है, उनके गुप्तांगों को बर्बाद किया जाता है, और अंततः या तो उसको मरी हुई हालत में जिंदा छोड़ दिया जाता है, या जिंदा को मार करके फेंक दिया जाता है। और उसके बाद नेताओं के आते हैं बयान, वो भी शर्मसार करने वाले। आप महिला भी हैं, फौजी भी हैं, कहां जा रहा है मेरा देश, और क्या कर रही महिलाएं इसके बारे में? संध्या जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। सॉरी, मैं ये नहीं कहूंगी कि दुख की बात है, क्योंकि दुख प्रकट करके हमने कुछ नहीं बोया, ना कुछ गेन किया। गुस्सा बहुत मामूली सी बात है, बहुत साधारण सा शब्द है इस चीज के लिए जो महिलाएं अभी फील कर रही हैं, या वो पुरुष कर रहे हैं फील, जिनको एक जमाने पे नाज था इस देश पे, था। मैं पास्ट टेंस इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि अब घरे में जो पानी था वो उबल उबल के अब भर चुका है, और वो फटेगा कभी ना कभी, और हम उस मुकाम पे आ चुके हैं कि फटेगा। जहां फौज की बात होती है, जहां हम बात करते हैं कि फौज इसलिए बनाई गई थी ताकि हम सरहद की रक्षा करें मेनली, उसके अलावा अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कहीं हमें बुलाया जाता है तो काम करते हैं हम। सच तो ये है कि इस वक्त हमारी फौज भी वैसी अटकी हुई है कि कश्मीर ले लो या कोई भी जगह ले लो, रेप के केसेस आ रहे हैं, रिपोर्ट भी होते हैं, उसका एक्शन क्या है वो हमें नहीं पता। लेकिन जहां आपकी जुबान बंद हो चुकी है, वो सिर्फ हमारी नहीं हुई है, अगर हम भारत को माता मानते हैं तो उसकी जुबान भी बंद है। अभी आज पढ़ने पड़ा था कि अगर आप प्रोटेस्ट करते हो इन पब्लिक प्लेसेस, वो अलाउड नहीं है, इट विल बिकम इलीगल। तो आप यही सोच सकते हो कि जितनी आवाज उठ रही है उतना दबाया भी जा रहा है उस आवाज को। और जहां बात रही जो अभी रिसेंटली रेप हुई है यूपी में, हाथरस की, इसमें
दुख की बात से ज्यादा शॉकिंग ये है कि इट इज नॉट जस्ट अ रेप, इससे डीपर मीनिंग ये है कि एक ऊंचे स्तर के ठाकुर स्तर के आदमी ने अपना पावर दिखाया एक दलित को, ठीक है, और इस चीज को हम सेपरेट नहीं कर सकते। बहुत सारे मुझे लोग बोलते हैं रेप इज अ रेप, लेकिन जब कोई बहुत पावरफुल कम्युनिटी किसी छोटे कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी पे ये करती है, तो इट इज अ बिगर मैसेज कि तुमने जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम तो यही करते रहेंगे। तो जहां ठाकुरों की प्रोटेस्ट आई, वहां कोई पुलिस में किसी ने ना लाठी मारा ना डंडा मारा ना कुछ, तो तिरंगा लहरा के जो प्रोटेस्ट करते हैं रेपिस्ट को फ्री करने के लिए, उसकी हिम्मत कहां से आती है? उसकी हिम्मत वहां से आती है जहां हमारे प्रधानमंत्री ट्विटर में उन लोगों को फॉलो करते हैं जो रेप थ्रेट्स देते हैं औरतों को, वो खुलेआम देते हैं ट्विटर पे, और वैसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, सिर्फ मैं नहीं बोलूंगी, वो इट्स ऑल आउट इन द ओपन, पब्लिक में है। तो ये चीज जो है ये नेशनल साइकी में है, और कितने जनरेशन ऑफ ऑफिशियल्स, मैजिस्ट्रेट, जस्टिस मैजिस्ट्रेट को लेके नीचे पुलिस तक लेके, वो स्टेट की कंट्रोल में है। और अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कृपया आप पधारे बार, योगी हो तो हिमालय में जाए, वहीं जाप ले जो जापना है, क्योंकि ये रवि श्रीवास्तव जी, बिल्कुल संध्या जी, आप जो कह रही हैं इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डिसएग्रीमेंट का तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। रवि श्रीवास्तव जी, 2014 के इलेक्शन से पहले लोकसभा के, एक महानुभाव भाजपा के मंचों पे खड़े होकर रैलियों में कहते थे, मां बेटे की सरकार में बलात्कार हो रहा है, मां बेटे की सरकार में, मां बेटे की सरकार में देश में बलात्कार हो रहा है। वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, उसका नाम नरेंद्र मोदी है, पार्लियामेंट में आके कहते हैं, अरे ये बलात्कार तो बलात्कार होता है, उनके समय हुआ, हमारे समय हुआ, ऐसे नहीं देखना चाहिए। फिर बेटी पढ़ाओ बचाओ पढ़ाओ व्हाटएवर, फिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश। अगर रवि जी हम उत्तर प्रदेश की नजर से देखें इसको, क्योंकि वहां पे एक भगवाधारी संत, भाई कहने के लिए तो यही कहा जाए, भगवाधारी संत चीफ मिनिस्टर है, और देश में एक बहुत लोकप्रिय चेहरा प्रधानमंत्री है, उसका 2IC जो होता है वो होम मिनिस्टर है, लोह पुरुष कहलाने वाला, मैं तो लोल पुरुष कहता हूं भाई दबे उसको, तो लोह पुरुष कहलाने वाला होम मिनिस्टर है। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के इतने बड़े कद्दावर नेता, देश के डिफेंस मिनिस्टर है। ये बताइए सर, बलात्कार कर ही कैसे सकता है कोई, जब इतने नामचीन इंपॉर्टेंट लोग किसी सूबे को संभालते हैं, देश को संभालते हैं, जिसके पीछे एक वर्ग पागलों की तरह मंत्रमुग्ध है, बलात्कार फिर भी हो रहे हैं, क्या, व्हाट इज दिस सर? इसमें क्वेश्चन क्या फ्रेम करूं मैं? निशांत, ये एक कुत्सित मानसिकता है, ये एक थॉट प्रोसेस है, और ये हमारे जो भाजपा के और आरएसएस के जो संगठन है वो इसको आगे प्रोपोगेट करते हैं। होल्ड ऑन सर, आरएसएस के लोग, होल्ड ऑन सर, आरएसएस, होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन सर, बोलिए। आपने जो सेंटेंस ओपनिंग सेंटेंस कहा ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैंने आज तक अपने 9 साल के टीवी करियर में सुना है। मैं इस पे दोबारा तवज्जो दे रहा हूं और आपको रोक के अब इसका खुलासा चाहूंगा। आपने कहा ये एक मानसिकता है और इस मानसिकता को संघी लोग प्रोपगेट कर रहे हैं, काइंडली एक्सप्लेन। यस, ये कहां से शुरू होता है? देश के अंदर जो पैट्रियारिकल सोसाइटी है, पैतृक जो सोसाइटी है, जो शुरू से चली आ रही है, आरएसएस वाले उसके सबसे बड़े समर्थक हैं। अगर आपने सुना हो उनके, मोहन भागवत जी के अगर बयान सुने हो, तो महिलाओं को वो क्या जगह समाज में देते हैं ये आप सोच सकते हैं उनके बयानों से, कि किस तरह का व्यवहार वो चाहते हैं। उनका कहना है कि महिला को किसी भी बाहर के काम में हाथ नहीं जाना चाहिए, महिला का काम सिर्फ घर में रोटी बनाना, कपड़े धोना, पति को खुश रखना और परिवार को संभालना,
इतना ही रोल उनके विचारधारा में महिलाओं के लिए है। वो किसी भी प्रकार से संध्या जी की तरह फ्लाइट लेफ्टिनेंट या दूसरी महिलाओं की तरह जहाज उड़ाती हो या और काम बड़े काम करती हो, इसके लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। और ये मानसिकता भाजपा को अपने गुरुओं से कहना चाहिए, एंसेस्ट्रल से इस तरीके से मिली है और यही उनका सोच है। मेरा एक और कहना है आपसे, ये महिलाओं को भी आज थोड़ा ये सोचना चाहिए, बराबरी किस बात की? महिला को बराबरी का हक नहीं चाहिए, महिलाएं तो बराबरी से बहुत ऊपर है। उनका स्थान समाज ने, देश ने, हमारे पुरखों ने कहा दिया है, देवी माता उसे पूजते हैं हमारे परिवारों के अंदर। बच्चों को जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, एक पूजन होता है साल में, आपको याद होगा, उसमें कुंवारी लड़कियों को बुला करके उनका पूजन किया जाता है, कहा जाता है ये हमारी देवियां हैं। तो ये स्थान है, आप बराबरी की बात ही मत करिए, आप बराबरी के लिए महिलाओं को लड़ाई भी लड़नी चाहिए, क्योंकि बराबर कौन आना चाहता है? आप तो बहुत ऊपर है, आपने हमें जन्म दिया है, आप तो जन्मदात्री हैं। महात्मा गांधी ने कहा था निशान कि जब तक देश में रात के 2 बजे भी महिला अकेली निकल के सड़क पे न जा पाए, तब तक इस देश के लोगों को अपने को आजाद नहीं महसूस करना चाहिए। शुभ्रा चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंसी नहीं मिली है, हमारी सबसे बड़ी चीज ये है। और आज जिस मुद्दे पे आप बात करने बैठे हैं, मैं रेप बलात्कार इन सब से आगे निकल के मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक लड़की की लाश को रात में 2:30 बजे पेट्रोल डाल करके जलाया जाता है, ये कौन सा संविधान अलाउ करता है? ये कौन सा मानव अधिकार अलाउ करता है? इस सिर्फ इसी बात पर देश के मुख्यमंत्री को बात कर देना चाहिए। वो मेरा सेकंड पार्ट में है, शुभ्रा के पास जाऊंगा। शुभ्रा, आप ऐसी पावन जमीन से जुड़ी हैं हमारे साथ, वाराणसी बनारस बहुत पावन जमीन है, गंगा मैया वहां लोगों को बुलाती है अंत्येष्टि के लिए, बहुत लोगों को बुलाती है। आपने सुना पैनलिस्ट्स को, और इसके सिवाय भी आप चारों तरफ देखती, आप तो एयरलाइन इंडस्ट्री से जुड़ी हैं, ट्रैवल एजेंसीज ट्रैवल कंपनीज हैं आपकी, महिला हैं। ये पहले तो मैं शुरुआत करूंगा बनारस से कि गंगा मैया को तो कोई साफ कर नहीं पाया आज तक, लेकिन बनारस में ऐसी क्या गंदगी आ गई कि मोदी जैसे को एक नहीं दो बार चुन के भेजा, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगा दैट इन प्रोफेशनल सिविल लाइफ, बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल फ्रॉम एयरलाइन इंडस्ट्री एंड यू आर अ लेडी, प्रोफेशनल सिविल लाइफ के अंदर पिछले 5-6 सालों में क्या महिलाओं को दिक्कतें आ रही हैं, जिस तरीके से बलात्कार की बातें होती हैं, मोलेस्टेशन, ईव टीजिंग, हेरासमेंट ऑफिस के अंदर, ऑफिस के बाहर, विशाखा गाइडलाइंस एंड पता नहीं क्या क्या, या आप लोग सब सुखी हैं? क्या जाना, क्या बताना चाहेंगे? सर, सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम। और जैसे फौजिया मैम ने कहा, उन्होंने डाटा बहुत सही दिया। मैं बनारस से हूँ और मैं हाथरस की बात से शुरू करूँगी कि हमारा जो समाज है ना सर, स्पेशली जो हिंदू समाज बोला जाता है, वो दोहरेपन से ग्रसित है और 2014 के बाद ये ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। हम देवी लड़की पूजा पाठ, अभी कुछ दिनों बाद से फिर हम 9 दिन का नाटक, इसको मैं नाटक बोलूँगी, नाटक शुरू करेंगे। इसमें हम अपने अंदर के दानव को दबाने के लिए कहते नहीं, हम लड़कियों को बहुत पूछते हैं, लड़कियों को हम मानते हैं, क्योंकि हम एक्चुअल में वैसा करते नहीं है। हम लड़कियों को एक भोग की वस्तु, जैसा आरएसएस मनुस्मृति के लिए जाना जाता है, वो उसी को फॉलो करते हैं। वो लड़कियों को इसी रूप में ही देखना पसंद करते हैं। और कई मंचों में हमारे मोदी जी ने हो या फिर आरएसएस के भागवत जी हो, वो बोल चुके हैं कि लड़कियों को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो जिस देश में लड़की के लिए, जो कि 50% आपके देश की जनसंख्या है, आपके जन्म का आधार है, उनके लिए आप दायरा बनाते हो, तो कैसी देवी पूजा और कैसा
लड़कियों का सम्मान, ये सब ढकोसला है, कोई सम्मान नहीं है, कुछ नहीं है, अपने अंदर के दानव को छुपाने का के लिए एक शब्दों का जाल है। और रही बात आप बनारस की बात करोगे तो आपको सर जो न्यूज में दिखता है, जितने डाटा न्यूज में आते हैं, उससे स्थिति बहुत गंभीर है। आज लड़कियां यहाँ पे 7-7:30 बजे के बाद बाहर निकलने से घर वाले रोक रहे हैं कि मत निकलो। मैं अभी बाहर रहती हूँ, मैं अपने घर आई हुई हूँ, मेरे घर वाले 7:30 बज जाते हैं, जबकि मैं पूरी दुनिया अकेले घूमती हूँ, अकेले रहती हूँ, फिर भी कि नहीं तुम जहां रहती हो वहां पे अलग सेफ्टी है, बट तुम बनारस की स्थिति बहुत बुरी है, घर पर रहो, टाइम से घर पर आ जाओ। जो कि हमने अपने बचपन में, जब तक मैं स्कूलिंग किया, कॉलेज किया, मैंने आज तक ये चीज फील नहीं की थी। 2014 के बाद से तब तक तो मैं यहाँ पे रहती नहीं थी, लेकिन अब मैं, मुझे लिटरली डर लगता है कि नहीं, लोगों का नजरिया पता नहीं क्या हो गया है उनके अंदर, वो जो डर है ना कि हमारे ऊपर भी कोई है, सिस्टम है, पुलिस है, कानून है, कुछ भी इनके ऊपर असर नहीं करता। हम बीजेपी सपोर्टर है, हम योगी जी के सपोर्टर है और हम ऊंची जाति के हैं। क्या महिला को जाति विशेष में बांधना ये हमारी संस्कृति बताती है? या पुरुषत्व तभी आएगा जब आप किसी लड़की को, जिसको आप जानते हो कि वो बल से आपसे कमजोर है, उसको आपको दबाने से आपकी आपकी जाति खुश होगी? तो ये जो दोहरापन है, जो गलत शब्द बताऊंगी मैं, जो दोगलापन है, ये जो विकृति है, इसका इलाज जरूरी है। ना कि हम इस, मतलब कि इसको नहीं करना चाहिए या फिर इसको दायरे में नहीं बांधना चाहिए, इसको वर्ग विशेष से नहीं बांधना चाहिए, नहीं। जब तक आप एक लेडी को, लेडी चाहे वो दलित जाति की हो, ऊंची जाति की हो, जब तक आप उसको लेडी नहीं समझोगे, जब तक क्राइम को क्राइम नहीं समझोगे, क्राइम है चाहे वो दलित के साथ हो। जी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। मुझे लगता है शुभ्रा आप अपने घर गई हैं मिलने के लिए, और कम से कम मोदी जी का एक वोट तो कट गया, पता नहीं पहले आपने दिया कि नहीं उनको, लेकिन बनारस का एक वोट तो उनका कट गया, ये बात साफ होता दिख रहा है मुझे। और मैं चाहूंगा कि आपकी इस बात के थ्रू शायद और लोगों को भी थोड़ा बनारस में अकल आए। और बट वेरी वेल, वेरी वेल सेड, वेरी वेल पुट योर पॉइंट, एंड आपने जो कहा वर्ड बाय वर्ड। डॉक्टर अब्बास भाई, हम तो पिछले इतने सालों से, अब्बास साहब, टेलीविजन पे यार हिंदू मुस्लिम करते आए हैं सारे डिस्कशन। यहाँ तो जिसको हमारे लोकल यूपी की भाषा में कहते ना कि ससुर हिंदू, हिंदू में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हैं? क्योंकि एक बड़ी गंदी लेकिन कमाल की बात है कि एक दलित महिला के साथ शादी नहीं की जा सकती, एक दलित महिला के साथ प्रेम नहीं हो सकता, उसके साथ बैठ करके खाना नहीं खाया जा, दलितों के साथ बैठ करके चाय नहीं पी जा सकती, पानी नहीं पिया जा सकता, लेकिन साहब बलात्कार हो सकता, क्योंकि यू नो देयर सम मंत्र होता है मेरे ख्याल से ब्राह्मणों के पास या जिस किसी के पास, पंडित जी के पास, बूम फॉर दिस नेक्स्ट 1 आवर दैट लेडी इज एब्सोल्युटली प्योर। आई मीन नॉट गोइंग ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ इट, नॉट ट्राइंग टू डिमीन एनीथिंग, बट अब्बास साहब मैं आपसे एक अलग टेंजेंट पे जाकर पूछ रहा हूँ पहला सवाल। क्या इस देश में हिंदू मुसलमान करने की जरूरत है जब आदमी औरत को लेकर के पूरा का पूरा देश बर्बाद हुआ पड़ा है? व्हाट डू यू थिंक? और निशान साहब, आपका सवाल लाजिम है, वाजिब है और बिल्कुल सही है। बिकॉज मैं बता दूं, ये नेता लोग को जरूरत है ना हिंदू मुसलमान करें, नहीं तो कैसे इनको वोट्स मिलेंगे? डिवाइड एंड रूल ब्रिटिशर्स की पॉलिसी है, यहाँ पे करेंगे। लेकिन आपकी शो पे और डंके की चोट पे मैं बात करना चाहूंगा, आपसे ही प्रेरित हूँ, आपका मैं शिष्य हूँ। और मैं आपको बता दूं कि ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, जो करता बुराई वो इंसान बुरा है, और ये राजनेता बुरा है। और ये जो भाजपा का निशान साहब, मैं बस एक मिनट में समाप्त करता हूँ, क्योंकि सोक्रेट्स जो एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा कि आई हेट गिविंग लॉन्ग स्पीचेस, आई गिव लॉन्ग स्पीचेस, माय फ्रेंड्स किल मी। तो शॉर्ट एंड स्वीट रख के मैं बता दूं आपको कि जो बेटी बचाओ जो है, ये बात करते हैं जो भाजपा के लोग नारा लगाते हैं, ये बेटी बचाओ नारा नहीं है निशान साहब, ये चेतावनी है, ये वार्निंग है। हम भाजपा वाले हैं जो कुलदीप सिंगार का समर्थन करते हैं, तो बेटी को बचाओ। और दूसरी बात, जो मैं, जो अभी योगी जी हैं, मैं इनको रोगी जी कहता हूँ, हिस्ट्री शीटर हैं, राउडी शीटर आदमी हैं, इनको मैं योगी आदित्यनाथ नहीं कहता, योगी तो बड़े महान लोग होते हैं, ये अजय बिष्ट है, अजय बिष्ट हिस्ट्री शीटर, राउडी शीटर, जो मुख्यमंत्री बनके अपने पूरे केसेस को वेव ऑफ कर देते हैं, ऐसे आदमी हैं ये। और ये हावी स्पेक्टर है, एक बहुत ही मान्य सूट्स का कलेक्टर
कार है जो कहता है कि अगर कास्टिज्म ये है तो योगीनाथ योगी आदित्य अजय पीश कास्टिज्म करने में ये लेवल है, अगर कम्युनलिज्म यहाँ है तो आदित्य अजय बिष्ट यहाँ है। और मैं बात बता दूं जो सीबीआई की जांच ही करे, अरे भैया मियां मिट्टू सीबीआई तो आपके तलवे चाटता है, सीबीआई ईडी आईटी तो आपके केज पैरट नहीं केज स्नेक्स हैं, सांप पे आप जब चाहे लगा दो। अगर अगर है तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ सीबीआई के साथ साथ आप एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को साथ मॉनिटर करो, ऑपोजिशन के साथ वहां पे कमिटी बनाओ, तब करो, तब मैं मानूंगा आपकी बात। और दूसरी बात ये लगा, आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज लिटिल इम्प्रैक्टिकल। व्हाई? बिकॉज अब तो ये माना जाने लगा कि हर इंस्टीट्यूशन के अंदर पैट कर ली है, घुस गए हैं संगी, तो कहने के लिए तो हमको एक आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बोला तो बहुत गलत होगा, फौज के बारे में गलत बोला तो बहुत कुछ होगा, पुलिस के बारे में नहीं बोलो, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं बोलो, तुम अपने बंदे घुसेड़ दो, उनसे गलत काम करवा और हम फिर भी ना बोले, माशाल्लाह। मैं चलता हूँ फौजिया जी के पास, आता हूँ आपके पास दोबारा अब्बास साहब। फौजिया जी, यू आर अ फिल्म मेकर, आप मीडिया पर्सनैलिटी हैं, आप फिल्में बनाती हैं, ऐसा क्या हुआ है कि जो महिलाओं के प्रति, एक बात तो पक्की है, देखिए मैं कह रहा हूं, अपने मुंह से कह रहा हूं, शायद किसी को बुरा लग जाए तो क्षमा याचना, कि अधिकांश तौर पे तो महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन होती हैं, ये तो मैंने भी मार्क किया है, क्योंकि वो या तो चुप रहने के लिए कह देती हैं या फिर उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेने के लिए कहती हैं, और ज्यादा कहती है अरे तू चुप रहे यार, तू घर पे रहे, क्यों खानदान का बदनाम करेगी, ये हमारा एक मेथड है। लेकिन मैम आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि फिल्में बनती हैं, फिल्मों के अंदर दुनिया भर का गद्दपन दिखाया जाता है, टीवी मीडिया जो है उसको, खास करके न्यूज चैनल्स जो हैं जिसमें मेरे मित्र जितने भी बंदर छाप हैं, वो सब उछल उछल करके जिस तरीके से चीजों को पेश करते हैं वो और गंदा हो जाता है, उसके ऊपर लगता है चंदन का लेप जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकर के फर्दर गंदा करते हैं, और फाइनली उसमें लगता है एक बढ़िया सा गोल्डन ताबूत जिसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता या आरएसएस के लीडर, जो बर्बाद कर देते हैं महिलाओं की जिंदगी फिर भी चुप रहने के लिए कहते हैं। मैडम, मीडिया इंडस्ट्री, फिल्म मेकिंग, इसका क्या योगदान है देश के अंदर बद से बदतर बनाने का महिलाओं के लिए? देखिए क्या है, मीडिया और फिल्में ये दोनों हैंड इन हैंड चलती हैं, ये समाज का, समाज को और समाज का आईना है, समाज को आईना दिखाना मीडिया का काम है कि भाई ये हो रहा है आप करेक्ट कर लो, ये अच्छा है और ये बुरा। और हमारी जो फिल्में और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो जो समाज में होता है उसको वो पोर्ट्रे करते हैं कहानियों के जरिए, फिल्मों के जरिए। इसमें कोई शक नहीं है कि लेवल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत बुरी तरह से गिरा है, लेकिन अच्छा बुरा दोनों ही बना है, लेकिन हाँ बुरा अब्यूज और रेप्स और यू नो एक्सप्लॉयटेशन ये सब बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है। इनको ऐसा लगता है कि अभी ये वेब सीरीज हो गई, इसमें तो कोई मतलब इंतहा ही नहीं है, आप किसी भी इंतहा तक जाके कुछ भी दिखा सकते हैं, यू आर फ्री। तो ये सब जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है अगेन कि देखिए महिलाएं बहुत जिम्मेदार हैं अपनी इस स्थिति के लिए, क्योंकि ये महिलाएं जो ये औरतें ही हैं, ये लड़कियां ही हैं जो डिस्पिरिट हो जाती हैं अपने ओवर एम्बिशियसनेस को लेके, और अलाउ करती हैं गलत काम करने के लिए। एक महिला गलत काम करने के लिए अलाउ करती है तो उसके पीछे हर महिला को उस तरह से देखा जाता है, हालांकि ये गलत है लेकिन क्या करें, ये हमारी सोसाइटी है, ये एक पर्सनल चॉइस होती है, बट वो पर्सनल चॉइस, वो आपका ओवर एम्बिशियसनेस, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, वो हर महिला का हशर कर देता है, वो हर महिला को ले जाता है। रही बात मीडिया की, मीडिया तो टीआरपी के लिए निशान जी कुछ भी करने के लिए तैयार है। मैं तो आई एम सॉरी टू से, आई विल बी वेरी बोल्ड इन सेइंग इट, बट आई विल नॉट माइंड सेइंग इट, कि जिस तरह से हमारी टीवी एंकर्स अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, क्या वो हमारा कल्चर है? वो हमारा कल्चर नहीं है। द वे दिस, मतलब मैं देखती हूँ कि जिस तरह से लाइक हम यानी शॉर्ट स्कर्ट्स, मैं उनके उस पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन वो हमारा कल्चर नहीं है, तो हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं जो जी की बात से मैं सहमत हूँ। मैं एक बात और कहूंगी, क्या महिलाएं सिर्फ शोपीस हैं? और शोपीस हैं तो आप ही दिखा रही हैं, और फिर आप टीवी पे बैठ के कह रही हैं कि देखिए साहब महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। भाई हर चीज की एक मर्यादा होती है, आप पार्टी में हैं आप कुछ भी पहनिए, आप क्लब जा रही हैं आप बिल्कुल, आप मतलब इट्स योर लाइफ, नोबडी कैन स्टॉप, बट हर
एक जगह की एक सीमा होती है और डेकोरम होता है, इसको सब ने क्रॉस कर दिया। लेट्स गेट इन रवि श्रीवास्तव जी। रवि जी, मैं एक बात फौजिया जी को कहते कहते आप तक आ रहा हूँ, क्योंकि मैं फौजिया जी की जो पूरा का पूरा वक्तव्य रहा है इसके अंदर दो बातें मैं निकालता हूँ। एक तो आपने जो फौजिया जी बात करी कि जिस तरीके से टीवी मीडिया जो भी करता है वगैरह वगैरह वगैरह, और दूसरी बात आती है निकल के कि महिलाएं जो हैं उनके बारे में जो आपने बात रखी। मैं एक बात साफ कर दूं, मैं बताना चाहूंगा फौजिया जी कि मेरा एक बार मौका लगा प्रेम चोपड़ा जी से मिलने का। प्रेम चोपड़ा जी से मैंने मुलाकात करी उनके रिटायरमेंट के बाद, बहुत बड़े टीवी सॉरी फिल्म कलाकार रहे हैं, और दिल्ली में मेरी मुलाकात हुई थी कई कुछ साल पहले हो गए, पहले की बात है, और एक दोस्ताना पार्टी में मुलाकात हुई थी और मैंने उनसे यही कहा था, मैंने कहा सर क्या नहीं लगता कि आपने बहुत बढ़ावा दिया गलत चीजों को। उसका कारण यह है कि प्रेम चोपड़ा जी ना तो शराब की एक बूंद पीते हैं, ना महिलाओं की तरफ नजर उठा के देखते हैं पर्सनल जिंदगी में, भक्त भगवान आदमी है और बहुत ही एक अच्छे इंसान है। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि ग्रेटर कैलाश में जो इतना बढ़िया बंगला है आपका, उसकी नींव में जो पैसे लगे हैं वो तो बलात्कार करने वाली चीजों के लगे, तो क्या आपको ऐसा अच्छा लगा? तो आई मीन ही डिड नॉट आंसर, बट आई एम श्योर इट पंच्ड हिम कि कहीं ना कहीं ऐसे रोल मॉडल्स, कहते ना बच्चन साहब रोल मॉडल हैं, तो प्रेम चोपड़ा जी भी कईयों के प्रेम रहे होंगे रोल मॉडल, पर गलत तरीके से। सो फौजिया जी, दैट इज वन पॉइंट आई वॉन्टेड टू ब्रिंग अप। नाउ आई गो टू रवि श्रीवास्तव जी। रवि श्रीवास्तव जी, फौजिया जी ने कहा कि भारत का कल्चर है क्या जिस तरीके की टीवी एंकर्स बैठती हैं खास करके कपड़ा पहन के या फिर इत्यादि बाकी जो चीजें हैं क्या ये? तो सर मैं तो ये जानना चाहता हूँ, बलात्कार करना कौन सा हमारा संस्कार है, कौन से हमारे कल्चर है, कहाँ से आई ये कल्चर हमारे देश के अंदर, या है? अगर है तो मान लेते हैं, टॉपिक खत्म करते हैं एंड आई विल डू अनदर प्रोग्राम, आओ बलात्कार करो अगर वो मेरे भारत की संस्कृति है। तो नहीं है तो देखिए फिर हम धज्जियां कैसे उड़ाते हैं इस गलत प्रथा की। निशान, ये संस्कृति ना कभी थी और ना ये होनी चाहिए, ये सिरे से गलत चीज है। हाँ, एक बात मैं आपसे कह दूं कि सजा से अपराध कम किए जा सकते हैं, मगर मानसिकता को बदलना बहुत मुश्किल काम है। एक मानसिकता को बदलने के लिए कई नस्लें लग जाती हैं तब वो बदलती। हम किन परिवारों से आते हैं, हमारे परिवारों में हम किस तरह से, अब मैं तो अपनी, मेरी तो बहुत उम्र हो गई है, मगर मैं और नौजवानों से भी कहना चाहता हूं कि कैसे बच्चे बड़े होते हैं। बच्चे बड़े होते हैं, माताजी, लड़का कोई शैतानी करके आता है, कोई बदतमीजी करके आता है, कोई गलत काम करके आता है, तो उसके सारे गुनाह माफ होते हैं। लड़की कोई छोटी सी भी अगर गलती कर जाए तो उसको फांसी पर लटकाने की बात की जाती है, उसको ये कहा जाता है ये पराया धन है, ये घर की नहीं है, तुझे दूसरे घर जाना है, तुझे ये संस्कार लेने चाहिए, तुझे वो संस्कार लेने चाहिए। ये मानसिकता ही गलत है। लड़की हो या लड़का हो, दोनों को एक सी शिक्षा, एक सा स्वास्थ्य, एक सा प्यार, बिल्कुल दोनों चीजें एक साथ मिलनी चाहिए। मैं आपको एक बात और बता दूं, एक बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट चल रहा है, मगर इसी में एक सुरेंद्र शर्मा नाम के कवि हुआ करते थे, हरियाणा के बहुत मशहूर कवि थे। उन्होंने दो लाइनें कही थी एक बार, और उनकी पत्नी उनके साथ खड़ी हुई थी, तो उन्होंने पूछा, ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो उनकी, उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा तुम्हारा क्या जवाब है, तो उनकी पत्नी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहा इसमें एक जगह मैं हूं और चार जगह आप। तो ये इस तरह के जो पुरुषों का जो कहना चाहिए चरित्र प्रकार का हुआ है, इसका कारण ये है कि जो हमारे नेताओं का कंडक्ट है वही इस तरीके का है। अभी मेरे मित्र कुलदीप सिंह सेंगर का जिक्र करके गए, स्वामी चिन्मयानंद के बारे में सब लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, स्वामी नित्यानंद कर्नाटक वाले उन्होंने किस तरह से क्या किया, आसाराम बापू ने किस तरह से, अरे छोड़िए ना सर, अरे वहां तक कहां जा रहे हैं। रवि जी, मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, आप चिन्मयानंद से लेकर नित्यानंद तक पहुंच गए, सिंगार से लेकर के आसाराम तक पहुंच गए। सर अगर उस महिला ने पैसे लेकर के अपना मुंह बंद नहीं किया होता तो मोदी और शाह मानसी केस के अंदर जेल में होते, कहां दूर जाने की बात है कि हम नहीं जानते। अगर उस लड़की को पैसे देकर के मुंह बंद नहीं कराया गया होता, छाती ठोक के कहता हूं, मुझे मालूम है क्योंकि मैं गुजरात 30 साल रहा हूं, सब कुछ फॉलो करता रहा। अगर मानसी सोनी नाम का जो एलियस नेम है, अगर पैसे दे के वो बैंगलोर की लड़की को चुप नहीं कराया होता तो अमित शाह पीपी पांडे के साथ और मोदी के साथ जेल में होते,
वो बात और है कि आज भी जेल में रहते हैं लेकिन पाए प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर अपनी अपनी पर्सनल जेल में रहते हैं। निशान, एक चीज और ऐड करना चाहता हूं मैं कि एक पीछे मित्र मेरे शायद सहानी जी है कोई बता रहे थे कि इन लोगों को बढ़ावा कैसे मिलता है। इन लोगों को बढ़ावा नहीं मिलता सर, इन लोगों को लाइसेंस मिलता है। इन लोगों को देश जो भाजपा और आरएसएस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इन लोगों को इस तरह की वेरी वेल लेफ्टिनेंट सूरी दिल्ली के कर्नाटक के वेरी वेल रवि जी, मैं इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं बिकॉज मैं एक्चुअली खुद ये पॉइंट ले आता अगर आप नहीं लाते तो। लेफ्टिनेंट सूरी भाई, ये भारतीय जनता पार्टी वाले लाइसेंस देते हैं ऐसा रवि श्रीवास्तव जी का मानना है, काफी हद तक मेरे ख्याल से सही बोल रहे हैं। स्पेसिफिक सवाल ये है कि फौज में महिलाओं के साथ क्या रेप होते हैं? होते हैं तो बाहर क्या आते हैं? अगर नहीं आते हैं तो क्यों? क्या है पोजीशन महिलाओं की फौज के अंदर, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, पैरामिलिट्री? ऐसी कोई जगह नहीं है हमारे देश में जहां रेप नहीं होता है, पहली स्टेटमेंट ये। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि जब हम सर्विस में होते हैं तो हम इस बारे में बात नहीं कर सकते हैं, वो भी एक रूल है और रेगुलेशन है क्योंकि उसका एक अलग प्रोटोकॉल है, एक अलग तरीका है उस कंप्लेंट को लेके जाने का। मैं ये भी जानती हूँ कि कईयों ने कंप्लेंट भी की है, कई अगर केसेस थे मोलेस्टेशन के वो कोर्ट मार्शल भी हुए हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि कई एक हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे जिनके ऊपर मोलेस्टेशन का केस था और उनको डिसमिस कर दिया था सर्विस से, लेकिन जब वो महिला अफसर छोड़ के चली गई थी उसके बाद, जब उन्होंने सर्विस छोड़ी और कंटिन्यू नहीं किया उसके बाद उनको वापस रीइंस्टेट किया विद पेंशन। तो ये भी एक सच्चाई है और ये हमारी नौसेना की हॉरेंडस, ठीक है, हॉरेंडस। नाउ आई विल गो बैक, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगी जो फौजिया जी ने कहा कल्चर ड्रेसिंग सेंस का, ठीक है। हमारे भारत में हर महिला साड़ी पहनती है, अगर एक्सपोजर साड़ी में कम है तो आप गलतफहमी में हैं, पहली चीज ये बोलती हूं मैं। दूसरी चीज, अगर ड्रेस सेंस की बात ही चल रही है तो जो आदमी रास्ते में चलते हैं बिना गंजी बनियान के या शर्ट के कमीज के, कितनी महिलाएं उनका बलात्कार करती हैं? सवाल कर रही हूं मैं, क्योंकि आदमी आराम से अपनी कमीज उतार के चलता है और अपने आप को सलमान खान समझता है लेकिन उनका तो बलात्कार नहीं होता। तो औरतें थोड़ा सा अगर बाजू दिखा दे तो कैसे बलात्कार होता है? तो ये तो बात रही एक। दूसरी बात आ गई उसके बाद कंटिन्यू होके कल्चर पे गई, जो रवि जी ने बहुत बताया कि और आपने भी बोला कि कल्चर हमारी नहीं है इंडिया में, लेकिन अगर बार बार बलात्कार होता है, इतनी बार होता है दिन में, अगर 100 हो रहे हैं, 100 से ऊपर होंगे 100%, क्योंकि ये तो 100 तो रिपोर्टेड है, ठीक है, और अगर इतने हो रहे हैं तो हमें तो ये मान लेना चाहिए कि ये अब क्राइम नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का एक कल्चर बन चुका है, ये हम मान ही ले, क्योंकि ये क्राइम नहीं है, ये एक कल्चर बन चुका है, हमारी कल्चर बन चुकी है। और इंदर जी सर ये लिसनिंग है, आप सुन रहे हैं एक फौजी के मुंह से कि ये मतलब उनकी उनके अंदर की बात निकल के आ रही है, जो वो कह रही हैं कि जो दिख रहा है वो इस तरह हो गया इंदर भाई कि ये क्राइम नहीं रहा, ये तो अब। सर आप तो पॉलिटिक्स को इतना नजदीक से देखते हैं हनी जी, आप तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के नजदीक रहे हैं, आप बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को बहुत क्लोजली जानते हैं। आई मीन व्हाट इज माय पॉलिटिकल क्लास डूइंग इस महिला के, एक महिला पूरे सेगमेंट के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, मैं वो अंदर की बात आपसे समझना चाहता हूं, पॉलिटिकल क्लास कर क्या रहा है? निषाद भाई मैं 5 मिनट लूंगा और 2 कोट करूंगा, एक अर्शी मैम ने भी कहा और लेफ्टिनेंट सूरी मैम ने भी कहा और रवि जी ने भी बात बोली। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, आज कोई भी ऐसा क्लास नहीं है और कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे गिरावट नहीं आई। आप अगर देखेंगे महिलाओं के ऊपर बलात्कार की बात करो तो निसंदेह इट्स अ वेरी हीनियस थिंग टू, कोई सोच भी नहीं सकता। और हमारे तो मतलब गुरु नानक देव जी ने कहा है कि उस औरत को आप कैसे गलत कह सकते हो जो राजा को जन्म देती है, तो हमारे सिखिज्म में तो इतना बड़ा स्थान है औरत का। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं
हर क्षेत्र में गिरावट आई है, जैसे अर्शी मैम ने कहा कि वो फिल्म मेकिंग में, आज फिल्म का रोल पाने के लिए महिला कुछ भी करने को तैयार है, ये सच्चाई है। मैं आपको कह रहा हूं, आज मैं पॉलिटिक्स में हूं या मैं एक सामाजिक क्षेत्र में हूं, मैं लोगों के काम, कोई लोग मेरे पास आते हैं, आप मेरी बात को यकीन मानिएगा कि हमें बच के रहना पड़ता है, यानी कि हमें बच के रहना पड़ता है, ये भी एक सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, आई एम टेलिंग यू विद ऑल सीरियसनेस दैट वी, मतलब ऑन फेसबुक ऑल्सो, सोशल मीडिया ऑल्सो, लॉट्स ऑफ फीमेल पर्सन इंटरेक्ट विद यू जस्ट टू बी इन टच विद यू टू गेट देयर वर्क डन, और उसके बिहार पर वो कुछ भी करने को तैयार है। तो मेरे को इस चीज से, जैसे वो कैसे कोई कहते हैं कि हमें आपसे मिलना कुछ काम है, तो मैंने कहा आप मेरे घर आ जाइए, आप चाय पीजिए, मेरी वाइफ है, मेरी फैमिली है सबके साथ। इतना डर भी है आप लोगों को, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये होता है और ये गिरावट है हर क्षेत्र में, फौज में भी। मेरे कई मित्र फैमिली फौज में है, ये जो अभी मैम ने कहा, सूरी मैम ने, एंड सभी क्षेत्रों में इस तरह की बात होती है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो मैंने आपको एक बहुत गंभीरता से बात बताई है कि इसके लिए, और जैसे अर्शी मैम ने कहा कि एक फिल्म इंडस्ट्री तो खैर सबसे ज्यादा एक्सपोजर है ही सही, वहां पर तो आज आप देखिए कि 12वीं क्लास के बाद अगर कोई कोई गर्ल है और वो जा रही है फिल्म का रोल पाने के लिए, अभी आपने देखा होगा एग्जाम्पल, एक हीरोइन जो बहुत ज्यादा बोल रही थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्या उनकी हिस्ट्री है और कितने साल से वो इंडस्ट्री में और क्या क्या उन्होंने किया है। I don't have Inder to tell you. Going back to the question. Inder bhai, going back to the question, you did not answer my question. All your points are well taken. Aapki ek ek baat ko bilkul main correct manta hu, bilkul digest it, take it dimag mein. Thank you. Political class kya kar raha hai is cheez ke liye? Political class sir, political class bhi main aapko bata raha hu. Dekhiye, political class se bhi zyada, main aapko bata raha hu, political class se bhi zyada aam parents ko, पॉलिटिकल क्लास, आज आप देख लीजिए चाहे हाथरस का भी ये कांड हुआ है, जो समाज की सरकार है, जो देश की सरकार है, और जो पॉलिटिशियंस के इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर और गो बयान आए हैं, उसके बावजूद भी आप देख लीजिएगा जब ये मामला उठा है और लोग खड़े हुए हैं, तो उस पर कार्रवाई होगी और वो लोगों का छूटना इम्पॉसिबल है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि लोग खड़े हो गए, लोग खड़े हो गए। बिल्कुल सही बात है, आपसे मैं एंटिसिपेट करता हूं, आपने जो कहा वो बिल्कुल निकल के आए। शुभ्रा के पास चलता हूं, बनारस। शुभ्रा जी, बनारस में तो नहीं, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो रहे थे उससे पहले के, तो श्रीमान नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री उस समय भी थे, उन्होंने एक रैली में कहा था तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरते हुए कि बलात्कारों के लिए, लड़कियों को परेशान करने के लिए उस समय की तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने गुंडे बाल रखे। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में ना सिर्फ आपकी कंस्टिट्यूएंसी से मोदी जी सांसद हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में भगवा छाया हुआ है, और इस भगवा छाया के अंदर रोमियो स्कॉट से लेके न जाने कितने कितने, अंततः हम ये जानना चाहते हैं, देश ये जानना चाहता है आपसे, ग्राउंड लेवल की अगर कुछ जानकारी मिले सच वाली, झूठ तो मेनस्ट्रीम मीडिया में चलता है, गुंडे कहाँ गए समाजवादी पार्टी को, जो कहते थे मोदी जी कि वो समाजवादी पार्टी के गुंडे बलात्कार करते हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं, वो कहाँ एक्सपोर्ट हो गए, आजकल कहीं दिख नहीं रहे। सर वो एक्सपोर्ट होके बीजेपी ज्वाइन कर लिया ना, सबको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब पैसे दे के उनको बीजेपी ज्वाइन करा दिया और उनके लीडर को सीएम बना दिया। जो इंसान कहता है कि कब्र से निकाल के रेप करो, तो वो ऐसे योगी, महान योगी से आप क्या लड़कियों की इज्जत की, और हम बात भी कर सकते हैं क्या ऐसे ऐसे मानसिकता वाले इंसान को के लिए कि जो बोलता है कब्र से निकालो रेप करो, वो तो प्रमोट कर रहा है, रेप को प्रमोट कर रहा है कि नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमने या कॉन्स्टिट्यूशन ने या लड़कियों के रैली वैली सबने किसने क्या उखाड़ लिया, सेंगर के टाइम पे, चिन्मयानंद के टाइम पे हमने क्या उखाड़ लिया, और अब जो हाथरस का केस आया है इसमें सिर्फ एक बार रेप नहीं हुआ है सर, मल्टीपल लेवल पे रेप हुआ है। एक बार रेप हुआ 15 दिन बाद, आप कहते हैं डॉक्टर कहता है कि कुछ मिला ही नहीं, 15 दिन बाद क्या पॉसिबल है कि आप रेप के ट्रेसेस आपको बॉडी से मिल जाएंगे, और डॉक्टर से लेके पुलिस से लेके सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस लड़की का रेप एक बार नहीं हुआ, बार बार हुआ।
लोगों ने रेप किया, उसके बाद सिस्टम ने रेप किया, डॉक्टर्स ने रेप किया, और इसके बाद सबसे बड़ी चीज कि उसकी डेड बॉडी के साथ भी रेप हुआ रात में 2 बजे। हिंदू संस्कृति में कभी भी दाह संस्कार नहीं होता, रात में 2 बजे जाके आप जलाते हो बिना फैमिली के कंसर्न के, तो इसका मतलब कि आप बहुत चीजें छुपा रहे हो और उन आरोपियों के पीछे सिस्टम का हाथ है। तो हम ऐसे सिस्टम से, ऐसे ऐसे लोगों के बीच से कहाँ हम लड़कियों के सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात को लेकर डिबेट करते हैं? हम वो लोग बोलने के लायक नहीं है और ना हम पूछने के, क्योंकि हम पूछने जाएंगे हमारे ऊपर 18 एलिगेशन खुद आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे जगह पे तो ये सब बातें ही करना बेकार है। शुभ्रा जी, बिफोर आई गो टू डॉक्टर अब्बास, उनको उनके पास जाने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल है, और ये सवाल में तीसरी बार एक उल्लेख आएगा कि आप बनारस से हैं, मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी से हैं, क्या महिलाएं वहां सेफ हैं? क्या बनारस में महिलाएं सेफ होती हैं? सर सेफ होती तो 7 बजे घर आने के लिए घर वालों का कॉल नहीं जाता कि आप जहां पर भी हो 7 बजे से पहले घर आ जाओ। तो आप इस इतने छोटे से बात से ही समझ जाइए कि कितने सेफ है हम यहाँ पे। चलिए डॉक्टर अब्बास, आपके पास मैं आता हूँ और बीच में एक मोदी जी के लिए अपनी तरफ से एक सुझाव देता हूँ। महिला ने तुमको पैदा किया था मोदी जी, नहीं महिला का सम्मान करने की जो बड़ी बड़ी बातें करते हो, बनारस से बैठी है महिला बता रही है कि आपकी कंस्टिट्यूएंसी में महिलाएं सेफ नहीं है। डॉक्टर अब्बास मैं एक चीज से थोड़ा चिंतित हो रहा हूँ यहाँ पे, और वो ये है कि अगर इस तरीके का एक पॉलिटिकल कल्चर आज की तारीख में इंडिया में बस रहा है, एटलीस्ट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जहां पे बलात्कारों को लेके, महिला का शोषण लेकर के, नॉट ओनली आउटसाइड इवन घरों के अंदर शोषण होता रहा है, एंड वी कॉल दिस आर कल्चर, हमारे कल्चर की तो हम बड़ी दुहाई देते हैं, वी हैव द बेस्ट ऑफ द कल्चर्स इन द वर्ल्ड, हमारी संस्कृति के मतलब 4 चांद लगे हुए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। What I want to know from you, Dr. Abbas, what is the way forward? Very likely, Mr. Nishant Verma, we are all Indians looking forward to know what is the way forward. When we boast of a great culture, what good is a culture where there are rapes happening every other time? As a matter of fact, this is very unfortunate and it's very shameful. It's all because I think many questions were raised during Nirbhaya when the UPA was under rule, and abhi jab hum dekhte hain ki NDA has come into power, the same Smriti Irani who used to do so much of drama during Nirbhaya, why is she mum and why is she quiet and why is she playing the political blame game with the opposition? Time and again we see this duplicity of the Bharatiya Janata Party. Unfortunately, those people who have raised slogans of Beti Padhao, Beti Bachao, nothing happening on the Beti Padhao front, but Beti Bachao is not a slogan, my dears. This is actually a warning to all the women to please be safe and be away from many of these non-political reforms of the Bharatiya Janata Party. If you see the NCRB report, most of the crimes committed against women have been given tickets by this Bharatiya Janata Party. Many of these MLAs, MPs of these respective party have been given tickets to contest elections. Many of them have been successful as well, as we see in the case of Kuldeep Sengar. And let me tell you, there was also a rally from BJP to support Kuldeep Sengar. There were many spokesperson, Nishant Verma Saab, who you are aware, when Kuldeep Sengar was accused, there are many of them who supports these rapists, named, shamed. Their faces must be blackened and they must be put behind bars. It is very unfortunate to see the state of affairs. And also, let me bring to notice and also the respective panelists here. As a matter of fact, I'd like to take a leave from what Lieutenant S. Suri ji said, Fauzia ji, Shubhra ji, all of them respectively have said they've made their prominent points. Being respectable women from this beautiful land of India, I think we must know that many a times, many questions are raised as to what they would. But what would you say to a child? Does it really matter what the child wears? I think it is in the mansikta of the man who rapes that needs to be bring about. Many a times it's said that they need to learn self-defense or something. I think the man needs to mind their own this. So, you know, rape is never Dr. Abbas, is what I firmly believe. Yeah. And this government, it's high time to stop giving tickets to these crooks who commit crime against women.
देखिए डॉक्टर अब्बास, मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं आज निशान भाई मैं आना चाहता हूं कि जी इंदर जी यू हैव अ मिनट। ये बहुत बहुत अच्छी बात अब्बास भाई ने बोली है और मैं आपको यही मैं कहने वाला था, एक आपने शायद यही इस आपके एक जो प्रश्न का दिस इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन कि व्हाट इज द पॉलिटिकल क्लास इज डूइंग। सो द पॉलिटिकल क्लास एटलीस्ट डू इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टी ऑफ बीजेपी कांग्रेस समाजवादी व्हाटएवर कि कम से कम ऐसे लोग जो हु आर फेसिंग दीज एलिगेशंस ऑफ हीनियस क्राइम रेप्स और छेड़छाड़ और इस तरह के जो क्राइम के केस उनको फेस कर रहे हैं उनको कम से कम टिकट ना दिया जाए और अपनी पार्टी से। जी इंदर भाई आप जो कह रहे हैं ये एक इच्छा हो सकती है, विश हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या पॉलिटिकल क्लास जिसको हम कहते हैं वो हो, वो गुंडे मवालियों बलात्कारियों टेररिस्ट को अगर अपने साथ नहीं लेंगे तो उनको इलेक्शन में मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, ये आप भी जानते हैं। सो बिफोर आई कंक्लूड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, आई डू नॉट हैव टाइम, आई नो एवरीवन वांट्स टू स्पीक, लेकिन इस देश में सिर्फ बलात्कार करने के पास, बलात्कार करने के लिए यहाँ पे भगवाधारियों के पास और बदतमीजों के पास समय है, माफ कीजिएगा इस शो पे मेरे पास समय नहीं है, लेकिन फौजिया जी को मैं आखिरी वर्ड देना चाहूंगा। जी फौजिया जी, जी आपने मुझसे मीडिया और फिल्म की बात पूछी थी, मैंने उस रोशनी में एक बात कही, लेकिन इन सारी बातें जो है सब लोगों ने कही मतलब ये नहीं है कि हमने कह दिया कि मीडिया जो है वो गलत कर रहा है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्यादा वायलेंस और सेक्स पदारी है और ये सब कुछ हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी अब हम पे ही है और अब पॉलिटिकल पार्टीज और सिस्टम को कुछ नहीं। नहीं, दो सेकंड में आना चाहूंगा, दो सेकंड इस सबके जिम्मेदार, इस सबके जिम्मेदार हमारा सिस्टम है, दो सेकंड में आना चाहूंगा, और हमारा पूरा का पूरा माशरा भी है, हमारा कल्चर भी है, हमारी पूरी सोसाइटी भी है। सो वी शुड नॉट ओनली सिट इन आवर ड्रॉइंग रूम्स और टॉक इन सच शोज, वी शुड कम आउट एंड फाइट अगेंस्ट इट एवरीबॉडी। वेरी वेल सेड, लास्ट 30 सेकंड्स टू इंदर। यस इंदर, लास्ट 30 सेकंड्स। मैं बस ये चीज ऐड करना चाहता हूँ कि आज और निशांत भाई ये हैट्स ऑफ टू यू एंड हैट्स ऑफ टू एवरी जो मेरे साथ बैठे हैं पैनल में, हम लोग एटलीस्ट जो इस देश के जागरूक नागरिक हैं, क्योंकि हमें इस देश की मीडिया से उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। अब जो भी कर रहा है इस देश में सोशल मीडिया कर रहा है, हमें कभी पता नहीं लगता कि ये कब होता अगर ये व्हाट्सएप पे हमारे पास नहीं आती जानकारी या हमारे पास फेसबुक पे नहीं आती, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि सरकार के खिलाफ मीडिया नहीं बोल पा रहा है, कुछ एक चैनल है एनडीटीवी जो कि कुछ बोलते हैं, तो हम जैसे लोग इसी सोशल मीडिया के माध्यम से। रवि श्रीवास्तव, हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। रवि श्रीवास्तव, इंदर सिंह, हनी फौजिया, श्री डॉक्टर अब्बास, शुभ्रा चक्रवर्ती, लेफ्टिनेंट सूरी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड डिस्कसिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। अंत में मैं सिर्फ कभी कंक्लूड नहीं करता मैं ऐसे डिबेट्स, क्योंकि कंक्लूड करने की मेरी क्या क्षमता, मेरी क्या औकात, कंक्लूड करेगा ये भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। लेकिन एक बात याद रहे कि जो लोग ऐसे कृत्यों को, घिनौने कृत्यों को सपोर्ट करते हैं, करने जाते हैं, वो जितना भी लिबरल पने का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये भूल रहे हैं कि भारतीय जनता जो है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो तो नालायक है मेरे हिसाब से, भारतीय जनता जो है वो एक ऐसा कदम उठाएगी कि घिनौने कृत्य करने वालों पे जिस तरह से आग बन के ये भारत की जनता बरसेगी, उस चीज का इंतजार ना हो तो बेहतर है। याद रहे कि आप उन महिलाओं के साथ इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं जिन्होंने आपको या तो पैदा किया, या मां समान है, या बहन है, एंड अबव ऑल इस देश की आधी जनसंख्या है। हिंदू मुसलमान कराते कराते, हिंदू क्रिश्चियन कराते कराते, सवर्ण और निचली क्लास के कराते कराते, हिंदू सिख कराते कराते, कहीं इस तरीके की गलत आइडियोलॉजी के शासक अगर पुरुष स्त्री करा गए, बिलीव इन मी, ब्रह्मा भी ढूंढने से ले। जय हिंद, जय भारत। आई साइन ऑफ, निशांत वर्मा फ्रॉम लाउड इंडिया टीवी। ये क्या हो रहा है सोचिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू।